नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक समिट को किया संबोधित। का अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली नई उम्मीद। नागरिकता संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए बोले पीएम मोदी, का बिल से उत्पीड़न के शिकार लोगों को मिलेगा बेहतर भविष्य। अयोध्या में मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन देने के खिलाफ हुआ हिंदू पक्ष, फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका। महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बड़ा बयान, का पॉक्सो एक्ट में दया याचिका का प्रावधान हो खत्म। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती उन्नाव पीड़िता की हालत बेहद नाजुक, डॉक्टर बोले कई अंग फेल होने की आशंका, बचने की उम्मीद कम। उन्नाव मामले की जांच के लिए सरकार ने गठित की एसआईटी की टीम, योगी सरकार ने जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। उन्नाव मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सदन में व्यक्त किया रोष, का एक तरफ राम मंदिर बन रहा, दूसरी तरफ सीता को लगाई जा रही है आग। अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद संसद में जमकर मचा हंगामा, कांग्रेस के सांसदों ने सदन की कार्यवाही का किया बहिष्कार। महिला सुरक्षा के मामले को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा, स्मृति ईरानी बोली ऐसे मामलों पर ना हो राजनीति। आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का बड़ा बयान, का सरकार ने नहीं दी राहत तो बंद कर देंगे वोडाफोन आइडिया। अग्नि 5 का नेवी एडिशन बनाने में जुटी मिसाइल वुमन डॉक्टर टेसी थॉमस, का दुश्मन को पानी के रास्ते भी दी जा सकती है मात। हैदराबाद के चारों आरोपियों के एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रेट जांच, डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम, कराई जा सकती है वीडियोग्राफी। हैदराबाद एनकाउंटर पर पुलिसकर्मियों पर महिलाओं ने बरसाए फूल, राखी बांधकर खिलाई मिठाई, लगाए जिंदाबाद के नारे। पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए आरोपियों पर बोली पीड़िता की बहन, का आज हमारे साथ न्याय हो गया, हम पुलिस के शुक्रगुजार। मायावती ने हैदराबाद एनकाउंटर के बहाने योगी सरकार को घेरा, का हैदराबाद पुलिस से सीख ले यूपी और दिल्ली की पुलिस। हैदराबाद एनकाउंटर पर उमा भारती ने की पुलिस की जमकर तारीफ, का पीड़ित परिवार का दुख तो कम नहीं होगा पर लड़कियों का भय जरूर कम होगा। हैदराबाद एनकाउंटर पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, का फैसले में देरी से गुस्सा, इसलिए एनकाउंटर पर लोगों में खुशी। एनकाउंटर पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर बीसी सज्जनार का बयान, का जवाबी फायरिंग में मारे गए चारों आरोपी। एनकाउंटर पर ओबीसी चिदम्बरम और शशि थरूर ने उठाए सवाल, का सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर मुठभेड़ की होनी चाहिए जांच। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, भारत बचाओ रैली को लेकर नेताओं के साथ बनाई रणनीति। संजय सिंह ने पाठ्यपुस्तक में महात्मा गांधी के अपमान का उठाया मुद्दा, आप नेता ने राज्यसभा में की जांच की मांग। एनआरसी और कैब को लेकर ममता ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, बोले नाकामयाबी से ध्यान हटाने के लिए लाया गया मुद्दा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड प्लान, भूपेश बघेल बोले अपराध रोकने के लिए सरकार उठाएगी कड़े कदम। हैदराबाद के आरोपियों के साथ मुठभेड़ पर बोले भूपेश बघेल, बोले इस मामले में मैं कह सकता हूं कि हुआ है न्याय। पान के धब्बों से बचाने के लिए प्लास्टिक से ढकी गई असम की सड़कें, पीएम मोदी और शिंजो आबे की 15 दिसंबर की बैठक को लेकर उठाया गया कदम। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्तनधारी पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी, अवैध शिकार विरोधी दस्ते की निगरानी के बाद मिली सफलता। जावडेकर ने प्रदूषण से लोगों की उम्र कम होने के दावों को किया खारिज, बोले भारतीय अध्ययन में सामने नहीं आई ऐसी कोई बात। पोर्ट ब्लेयर में 140 रुपए किलो के पार पहुंची प्याज की कीमत, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों में सामने आई जानकारी। केजरीवाल ने स्कूल पाठ्यक्रम के लिए पेश की अंबेडकर पर पुस्तिकाएं, बाबा साहेब के जीवन और कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे छात्र। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 9 नए जिलों में स्थगित किए निकाय चुनाव, परिसीमन और आरक्षण जैसी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिए निर्देश। झारखंड पहुंचे चिदम्बरम ने की भाजपा को हराने की अपील, बोले हरियाणा में भाजपा को किया कमजोर, महाराष्ट्र में सत्ता में आने से रोका। एएमयू में हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र ने दिया 100 करोड़ का अनुदान, कुलपति तारिक मंसूर ने मोदी सरकार के फैसले का किया स्वागत। दुनिया में बढ़ती गर्मी से उजड़ सकता है मछलियों का जीवन और प्रवाल, अध्ययन में 2050 तक सैकड़ों अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान। हैदराबाद मुठभेड़ की शमिष्ठा मुखर्जी ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग, बोली इस प्रक्रिया से विश्वास हो जाएगा कि सुनियोजित नहीं थी मुठभेड़। प्रयोग के लिए 6 राज्यों में शुरू हुई एक देश एक राशन कार्ड योजना, जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का रखा गया लक्ष्य। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मतभेदों पर बोले राज्यपाल जगदीश धनखड़, का मुख्यमंत्री के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत को हूं तैयार। सरकार ने जम्मू कश्मीर के 11 हवाई अड्डों के लिए रखी निविदा प्रक्रिया, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के विस्तार को लेकर उठाया गया कदम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सुशील मोदी ने किया दावा, बोले किसानों को 1,632 करोड़ रुपए किए गए वितरित। नागरिकता विधेयक पर विपक्षी दल 8 सूत्रीय एजेंडे पर हुए सहमत, भाजपा को घेरने के लिए बनाई खास रणनीति। मनमोहन सिंह के बयान पर मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया पलटवार, बोली सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी हैं जिम्मेदार। कारपोरेट कर कटौती को संसद की मिली मंजूरी, सॉफ्टवेयर विकास खनन को 15% की दर से भुगतान की मिली छूट। सीएसीपी ने राज्यों को दी भागीदारी फार्मूला,
फार्मूला अपनाने की सलाह का गन्ना किसानों को 9000 करोड़ रुपए की होगी अतिरिक्त आय। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर कसा तंज, बोले विपक्ष के आधे नेता जेल और आधे बेल पर कैसे करेंगे जनता का काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, बोली पश्चिम बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिला लाभ। योगी ने धारा 370 खत्म करने को बताया डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान, बोले बाबा साहेब के विचारों पर काम कर रहे प्रधानमंत्री मोदी। भारत वेस्ट इंडीज के बीच T20 सीरीज की आज से होगी शुरुआत, हैदराबाद में शाम 7 बजे से खेला जाएगा पहला मुकाबला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले T20 में चहल कर सकते हैं बड़ा कारनामा, 3 विकेट लेते ही तोड़ देंगे रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का बड़ा बयान, का जीतना जरूरी नहीं, बेहतर टीम बनाकर देश लौटे खिलाड़ी। ब्रायन लारा बोले हमेशा कठिन चुनौती होता है भारत में खेलना, टीम इंडिया के खिलाफ पोलार्ड की टीम को करना होगा बेहतर प्रदर्शन। क्रिकेट में वापसी की राह पर जुटे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल, विक्टोरिया टीम के साथ शुरू किया अभ्यास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।